अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिवान के RJD के समर्थित उम्मीदवार विनोद जायसवाल का कल सिवान जिले के कई इलाकों में दौरा हुआ। उनके साथ विधायक औद बिहारी चौधरी, विधायक बच्चा जी पांडे, हरिशंकर यादव, अमरजीत कुशवाहा सहित तमाम RJD समर्थित और भाकपा माले के लोग मौजूद थे। और इसी क्रम में ओसामा साहब भी विनोद जायसवाल के कार्यक्रम में नौतन पहुँचे और उसके बाद से लगातार विनोद जायसवाल के पक्ष में लोगों से वोट मांगा और तमाम इलाकों का दौरा किया। अमरजीत कुशवाहा ने MLC प्रत्याशी का जोरदार तरीके से स्वागत किया और उनके साथ तमाम समर्थकों ने नौतन में जोरदार तरीके से फूलों का माला पहना करके MLC के उम्मीदवार विनोद जायसवाल का भारी मन से आप देख सकते हैं कि स्वागत किया। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि औद बिहारी चौधरी, हरिशंकर यादव, बच्चा जी पांडे, अमरजीत कुशवाहा, जिला अध्यक्ष परमात्मा राम और ओसामा साहब, ये लगातार विनोद जायसवाल के लिए लगे हुए हैं। और जैसा कि आपको बताते चले कि हिना साहब भी लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं और विनोद जायसवाल को जीत दिलाने के लिए RJD और भाकपा माले ने पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रखी है। तो सीधे आइए ले चलते हैं नौतन में। जैसे वहां पर विनोद जायसवाल पहुंचे, दमदार उनका स्वागत हुआ और उसके बाद से एक सभा हुई जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि शामिल रहे और तमाम लोगों से विनोद जायसवाल को MLC बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, चर्चा किया गया। ATN लाइव के लिए प्रभात के साथ बंटी की रिपोर्ट। सामा साहेब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ा सा कुछ आइए, ये होली चला रहा है, इतने से हरी है। मुखिया जी, जी जी, मुखिया जी का कुछ होगा ना, आप चला जाए, अब दूसरे जगह है, कुछ कहाँ पर मेरे वहाँ से मारा हुआ, चलिए ना, आप जहाँ जा सकते हमारे बीच हम लोग के गार्जियन स्वरूप यहाँ उपस्थित हैं माननीय पूर्व मंत्री और सम्मानित माननीय विधायक औद बिहारी चौधरी जी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष परमात्मा राम जी, हमारे रघुनाथपुर के विधायक श्री हरिशंकर यादव जी, हमारे बढ़हरिया के विधायक बच्चा पांडे जी और हमारे बीच आज MLC चुनाव में प्रत्याशी के रूप में महागठबंधन की ओर से आए हुए हैं विनोद जायसवाल जी, और साथ ही साथ यहाँ जितने लोग आज इस समर्थन में उपस्थित हैं, मैं तमाम लोगों को अपनी पूरी महागठबंधन की ओर से, अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत। और साथ ही साथ हम पूरे सिवान के जनप्रतिनिधियों से, जीरादेई विधानसभा के तमाम जनप्रतिनिधियों से, जो यह चाहते हैं कि देश बर्बादी से बचे,
देश में संविधान की रक्षा हो, देश में लोकतंत्र की रक्षा हो, तो एकजुट होकर के महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में, समर्थित उम्मीदवार के रूप में हमारे आए हुए हैं विनोद जायसवाल जी, इनको जोरदार तरीका से समर्थन करें। और हमारी भी ये पूरी कोशिश है कि हम पूरे विधानसभा के भीतर, दरौली विधानसभा के भीतर और पूरे सिवान जिला के भीतर जहां कहीं भी इस तरह के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे समर्थन, हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, हम लोग पूरी ताकत के साथ जिताने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार यहां से एनडीए उम्मीदवार की हार होगी और हमारे विनोद जायसवाल जी की जीत पक्की है, इनको कोई नहीं हरा सकता है। और हम फिर एक बार अपील करते हैं कि पूरी ताकत के साथ एक एक कार्यकर्ता महागठबंधन के लग जाएं और लग करके विनोद जी को जिताने का काम करें। बहुत बहुत एलसी के उम्मीदवार विनोद जायसवाल का दौरा चल रहा है और आप देख सकते हैं नौतन प्रखंड में हम लोग मौजूद हैं। अमरजीत जी जो विधायक हैं इस इलाके से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे विनोद जायसवाल जी, आज कैंपेनिंग कर रहे हैं 10 प्रखंडों में, आज इनका दौरा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के इस बार के चुनाव में हमारा पार्टी भाकपा माले पूरी जोर शोर से समर्थन कर रही है और इस बार हम ये साफ साफ कह रहे हैं कि जीत इनकी पक्की है। और मेन मकसद जो अभी देश के अंदर जो तबाही, भ्रष्टाचार, महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार देश को तबाह करके रख दी है, आज देश के प्रमुख जो समस्या है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। बिहार के भीतर भी हम लोग देख रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार के अभी जो आंकड़े आए हैं, नीति आयोग के रिपोर्ट आए हैं, सारे रिपोर्ट देखने के बाद ये साफ दिख रहा है कि सरकार विकास बिल्कुल ही नहीं कर पाई है, बिहार फिसड़ी राज्यों में शामिल हो गया। इस हिसाब से अगर बिहार का विकास करना है, बिहार में लोकतंत्र को बचाना है, यहाँ अभी तो हम देख रहे हैं जिस तरीका से प्रशासन पुलिस के जरिए जनता का दमन किया जा रहा है, गुंडागर्दी किया जा रही, इन सारे चीज़ों से रक्षा करना है तो यहाँ ज़रूरत है कि एनडीए की सरकार बने। लेकिन थोड़ी से गड़बड़ी से चलते चूक हो गई थी पिछले बार, पिछले दरवाजे से सत्ता में यहाँ एनडीए आ गई, लेकिन हम लोग एक एक सीट महागठबंधन के जिता करके आने वाले दिनों में एनडीए को परास्त करके और यह संदेश देंगे कि बिहार के भीतर जो मूल समस्या है बेरोजगारी की और भ्रष्टाचार की, उसको दूर किया जाए। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर दरबार मार्केट मेन रोड सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर दरबार मार्केट मेन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9709945298893122239। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821700।